हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज बात करते हैं अपन टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से पहले अपन ने जो टॉपिक छोड़ा था उसके अंदर बात कर रहे थे अपन प्री फॉर्मेशन। तो प्री फॉर्मेशन के अंदर मैंने बताया था कि जोसेफ ऑफ एरोमेटाले सन 1626, इन्होंने क्या कहा कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर, यानी कि मुर्गी के अंडे को सहने से पहले, मुर्गी द्वारा अंडे को सहने से पहले ही उसमें भ्रूण में विकसित होने वाले अंग सूक्ष्म रूप से ही उसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब जो था वो ये था कि जो उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसके जो भी फिदर्स या जो भी उसके अंग या अंग सिस्टम या उसके अंदर जो अंग तंत्र है वो पहले से ही सूक्ष्म रूप से उसमें उपस्थित होते हैं, जो अपन को दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में होते हैं और सूक्ष्म रूप को अपन देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट आए जो थे जैन श्योरडन। ये 1666 के अंदर इन्होंने जो फ्रॉग के जो अंडे हैं उनपे प्रक्षेपण किया और देख उनका रेखा चित्र बनाया। ठीक है, और उसी टाइम पे प्री फॉर्मेशन का प्री फॉर्मेशन थ्योरी आई। ठीक है, तो जेन स्वेमेरडम ने तितली के लार्वा पर भी प्रक्षेपण किया और एक थ्योरी दी। बताया उन्होंने कि जो लार्वा होते हैं ऐसे ही लार्वा और ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं जो विकसित होकर पूर्ण एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब जो था वो क्या था? उन्होंने ये कहा कि जो लार्वल फेज होती है उसके अंदर जो डेवलप होने वाले अंग है वो पहले से ही उनमें सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं और इस लार्वल फेज के अंदर जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनने वाली है ये उसमें सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। ठीक है, किसमें? उसके लार्वा में, और इस लार्वा के अंदर जो ये ऑफ स्प्रिंग बनेगी और इस बन गई और जो इससे बनने वाली ऑफ स्प्रिंग होगी यानी कि इससे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके भी लार्वा इसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जब फर्स्ट जनरेशन या अपन कहें कि F1 पीढ़ी के अंदर इस जनरेशन की जो अंतिम स्पीसीज होगी या अपन मान लें कि कोई ऐसी स्पीसीज है जो A से स्टार्ट होके Z, यानी कि उसकी संतति कितनी पीढ़ियों तक चलेगी? 26 पीढ़ियों तक चलेगी। तो इस F1 पीढ़ी के अंदर 26 पीढ़ी वाला जो एम्ब्रियो होगा उसके सूक्ष्म रूप इसमें उपस्थित है। यानी कि कैसे? F1 पीढ़ी का तो F1 पीढ़ी से आने वाली F2 पीढ़ी होगी उसके उसका तो इसमें होगा F1 में। F3 जो आएगी, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी F3, उसका इसके अंदर उपस्थित होगा। और ये किसमें उपस्थित है? ये F1 में पहले से उपस्थित है, यानी कि इसका ओरिजिन नहीं हुआ, उससे पहले ही F2 के अंदर F3, F3 के अंदर F4। यानी कि कहने का मतलब है अपन बात करें A1, AB और C, ऐसे अंतिम करें Z, तो Z वाला जो होगा वो किसमें होगा? Y में। Y वाला किसमें होगा? X में। W, X W में होगा। W किसमें होगा? V के अंदर। V होगा U, U के अंदर होगा U, T के अंदर होगा। इस प्रकार से इन सभी पीढ़ियों का पहले से ही ओरिजिन हो चुका होता है, यानी कि इनका क्रिएशन सबसे पहले ही हो चुका है। फिर क्या होता है, इनके डेवलपमेंट के माध्यम से ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं। यही क्या थी? प्री फॉर्मेशन थी।
इनका कहने का जो तात्पर्य था यह है कि प्री फॉर्मेशन के अंदर पूर्व रचनावाद, ठीक है, पूर्व रचनावाद क्या कि किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से या उसका जन्म होने से पहले ही वो इस संसार में विद्यमान है, लेकिन उसका जो है वो क्या है, डेवलपमेंट सिर्फ उसमें बाकी है, यही है। फिर है एपिजेनेसिस, सेकंड थी एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस का मतलब ये था कि इसमें स्टेम हिले या सेंट हिलेरे नामक का वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, एक एग को उसके प्लेट हॉट प्लेट के नीचे रखकर उसमें उसको सहा और उसमें एम्ब्रियो का निर्माण किया। उसमें जब भ्रूण बाहर निकला तो वो विकृत रूप के थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एपिजेनेसिस के अंदर कि जो एम्ब्रियो होता है या जो भी ऑफ स्क्रीन जन्म लेने वाली होती है उसको बाह्य कोई पोर्स चाहिए होता है जिसके कारण उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। यानी कि उनका कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के पूर्व रूप में कोई भी ऑर्गन कोई भी अंग तंत्र नहीं पाया जाता, ये कोई बाह्य पोर्स के द्वारा ही इसमें डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं एग, तो इन्होंने क्या किया, एक एग को लेकर हॉट प्लेट के नीचे रखा उसको और उपयुक्त टेम्परेचर दिया, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो का निर्माण तो हो गया लेकिन उसमें वो विकृत रूप से था, विकलांग या एबनॉर्मल था, उसमें कुछ कमियां थी। तो उन्होंने यही कहा कि इनका जो डेवलपमेंट होता है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। तो एपिजेनेसिस के अंदर फिर आए कार्ल वॉन बीयर, कार्ल वॉन बीयर ने डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स 1828 के अंदर इन्होंने ये बुक का प्रतिपादन किया। और इन्होंने क्या किया, एक एग पर, एग के डेवलपमेंट पर इन्होंने क्रमबद्ध क्या किया, उसका निरीक्षण किया, उसका अध्ययन किया और देखा कि जब वो धीरे धीरे उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ऐसे नहीं है कि उसके अंदर पूर्ण रूप से ही पहले से ही अंग उपस्थित है और वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट उनमें चेंजेबल परिस्थितियों के अंदर होता है। क्रमबद्ध अध्ययन किया और देखा कि विभेदन विभेदित रूप से डिफरेंशियल डेवलपमेंट उनमें होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बाद में प्री फॉर्मेशन का जो पूर्व रचनावाद थी वो धीरे धीरे कम हो गई और एपिजेनेसिस का निर्माण हुआ। एपिजेनेसिस के का निर्माण या इस वाद का जो इस थ्योरी का जो ओरिजिन था वो एरिस्टोटल के समय से ही था, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इन्होंने जो प्रस्तुत किया वो थे विलियम हार्वे। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था ऑन जनरेशन, ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल। इसके बाद में एपिजेनेसिस का प्रतिपादन हुआ और इससे पहले स्वाहडेन और स्वान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में भी बताया कि किस प्रकार से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स के द्वारा ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसमें कुछ किसी भी रूप से पूर्व रूप से उसमें कोई भी अंग तंत्र उपस्थित नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपन जो बात करते हैं तो सबसे पहले इनके जो नियम्स थे टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। सबसे पहले थे बेयर का सिद्धांत, तो इन्होंने बेयर एंड बेयर का सिद्धांत जो था
हिज थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी, इनको मॉडर्न थ्योरी के फादर भी कहा जाता है, सॉरी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तीन शोध प्रबंध किए थे, एपिप्लास्ट, कॉमोंटर में डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के रूप में इन्होंने नाम दिया। ये तीन पुस्तक ब्रोनिकी के क्षेत्र में मानकृत बनी गई। इनके जो तीन बुक थी वो लिखी इन्होंने, डेवलपमेंट में इन्होंने गहन अध्ययन किया, और इनका जो अध्ययन था वो था जर्म लेयर के, जर्म लेयर थ्योरी के ऊपर, जंतु के आवर्ती इतिहास में उनके विभिन्न जातियों के गुणों के विकास में समानता, नोटोकोड की खोज में स्तनियों के अंडों का वर्णन इनकी पुस्तकों में मिला। इसके बाद इन्होंने इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा गया। तो इन्होंने जो अध्ययन किया और बताया वो इस प्रकार था, तो बीयर एंड हिस्ट्री के अंदर अपन बात करते हैं, तो बीयर ने तीन बुक्स लिखी थी, तीन बुक्स के अंदर पहली थी एपिस्टल पत्रियां संकलन, कॉमेंटर भाषा, और तीसरी थी डेवलपमेंट अभी मैंने बात किया था कॉल्ड वॉन बियर की, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इन्होंने डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स 1828 के अंदर बुक लिखी थी। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ये तीन बुक लिखी थी, जिनको संयुक्त रूप से या मूल रूप जो इनका है वो है अबर एंटविक लंग्स गैस चिकेट। और इनके अंदर जो इनका मुख्य जो टॉपिक्स थे, यानी कि इस इन बुक के अंदर जो इनका मूल नाम था एंटविक लंग्स गैस विकेट चिकेट डेट थे या टायर, इसके अंदर जो इनके मुख्य बिंदु थे वो कौन कौन से थे, जर्म ले के साथ साथ ही इनके जो मुख्य बिंदु थे नोटोकोड, जो इनके भ्रूणों के अंदर जो समानता मिलती है, नोटोकोड की उत्पत्ति कैसे होती है, सही सर्पों के अंडे कैसे होते हैं, इन सभी का, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन जो सही सर्प या एविज जो होते हैं, इनके एग्स तो सभी ने देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्तनियों या मैमल्स के एग्स को देखा था। ग्राफ के द्वारा जो एग्स देखे गए थे मैमल्स के, वो एग्स जो थे वो उनको ग्राफी पुट्टी का, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग्स के रूप में देखा गया था, जो फोल्ड्स मिल रहे थे, जो फोल्ड्स देखे गए थे वो पिंड के रूप में थे, और उन पिंड को सबसे पहले जो नाम दिया बियर ने वो दिया फेलोपियन, सॉरी ग्राफियल पुट्टिका, ठीक है। तो जो नाम दिया गया वो क्या था, ग्राफियल पुट्टिका, और उसके बाद में उस ग्राफिक पुट्टिकाओं के अंदर ही एक येलो लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, वो येलो लाइक स्ट्रक्चर ही क्या होती है, ओरिजिनल या ट्रू ओवम होते हैं।
ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले यानी कि बियरी जो थे सबसे पहले इन्होंने मेमल्स एक्स को देखा और इन्होंने फोर जर्मिनल लेयर को जेर का फोर जर्मिनल लेयर का क्या किया प्रतिपादन किया, बताया कि जो लेयर्स होती है मीजोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्म और मीजोडर्म को जो बताया उन्होंने दो बताया कि क्योंकि बीच में जो दो लेयर होती है ये एक्टोडर्म और ये मीजोडर्म, मीजोडर्म की जो आकार जो होता है वो दो टाइप में बताया कि एक बाह्य और एक अंतर अंत है। तो इन्होंने दो मीजोडर्म बताया, एक तो आंतरिक और एक एक्सटर्नल, ठीक है, और अंत में बताया एंडोडर्म एंडोडर्म। लेकिन ये बात जब इनका वापस इनका देखा गया अध्ययन किया गया तो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोबर्ट रेमक। रोबर्ट रेमक 1985 से 1865 ये 1865 से 1985 के ने स्पष्ट किया कि जो मध्य भाग के अंदर जो दो लेयर होती है ये दो एक्सटर्नल और इंटरनल ये एक ही लेयर होती है और इसको ही मिजोड्रम नाम दिया गया। तो जो रोबर्ट रेमक थे उन्होंने ही सबसे पहले थ्री जर्मिनल लेयर को प्रतिपादित किया और उन्होंने नाम दिया एक्टोड्रम एंडोड्रम और मिजोड्रम एक्टोड्रम एंडोड्रम सॉरी मिजोड्रम एक्टो के बाद में मिजोड्रम एंड एंडो तो सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो रोबर्ट रेमक के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया सन इसमें नहीं देगी बेर ने कुछ अन्य निष्कर्षों के आधार पे भी हैकल ने जो हैकल का जो नियम था पूर्व रचनावाद नियम उस सिद्धांत का अच्छा हैकल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बेयर के कुछ अन्य निष्कर्ष थे उनके आधार पे इन्होंने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ रिकैलकुलेशन। ठीक है तो हैकल ने एक सिद्धांत दिया किसके बेस पे बेयर के थ्योरी के बेस पे दिया इनके निष्कर्षों के बेस पे दिया पुनरावर्तन का सिद्धांत। पुनरावर्तन का सिद्धांत क्या होता है कि एनिमल्स पुनरावर्तन दोहराता है एक के बाद एक वही आकृति दोहराता है यानी कि इनको जो थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन या जातीय आवर्तन नियम बायोजेनेटिक लॉ प्रतिपादन किया। ये प्रसिद्ध सामान्यीकरण था परिवर्तन के समय जंतु के विशिष्ट लक्षणों से पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं यानी कि इनका जो पुरातन या पुनरावर्तन सिद्धांत जो था उसके अंदर यह कहा गया है कि जो एनिमल्स होता है उसकी जो नई आने वाली संतति होती है वो पहले मुख्य या उनके विशिष्ट लक्षण ना दर्शाए के सामान्य लक्षण शो करती है उसके बाद में विशिष्ट लक्षण शो करती है अत्यंत सामान्य लक्षण के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य या अत्यंत विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं और अत्यंत सामान्य जो सिमिलरली सभी के अंदर लक्षण होते हैं उनको प्रदर्शित करने के बाद इनमें इनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। ये पुरातन पुनरावर्तन के सिद्धांत के ही पार्ट है। इसके बाद में जो अगली जो आती है जो अगला जो नियम आता है वो है आपके बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मुलर हैकल यानी कि जो बियर है उनके निष्कर्षों के बेस पे हैकल और मुलर ने कुछ सिद्धांत दिए और वो सिद्धांत कहलाए बायोजेनेटिक ऑफ मुलर और हैकल सिद्धांत। ठीक है तो मुलर और हैकल ने प्रयोगात्मक निष्कर्ष निकाले। इन्होंने क्या किया जो टू एंड सेल्स यानी कि जो जाइगोट के बाद में जो सेल्स बनती है और सेल के अंदर जो क्लीवेज होता है तो सिंगल सेल से टू सेल का फॉर्मेशन होता है तो एक हॉट नीडल के द्वारा एक सेल को क्या कर दिया डैमेज कर दिया और जब उनमें डेवलपमेंट देखा तो एक आधे भ्रूण का ही निर्माण हुआ। ठीक है तो इस प्रकार से इन्होंने प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी का निर्माण या एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का निर्माण किया। तो बियर की जो थ्योरी थी वो तो कौन सी थी कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये थी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी।
फिर आती है थर्ड एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी। तो एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या किया, एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर उनमें कंपैरिजन देखा जाने लगा, एनालिसिस किया जाने लगा उनके वर्णनात्मक और उनके डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव बेस पे उनमें उनके डेवलपमेंट को देखा जाने लगा। तो इसके बेस पे जो टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है वो अपने तीन प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी है, वो सबसे पहले कौन कौन से अपन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, उनके वर्णनात्मक बेस पे उनके जो वर्णनात्मक यानी कि उनका डेवलपमेंट जब होता है तो किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता है उसके बेस पे, यानी कि जो स्पीसीज होती है उनमें अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है कि किस एनिमल्स का किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो रहा है वो तो ठीक है, और कंपैरेटिव उनमें किस प्रकार से उनकी फेज कैसे चल रही है, कौन सी लार्वल फेज है कौन सी उसमें डायरेक्ट फेज है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर अपन देखते हैं तो फ्रॉग के अंदर कैसी होती है, लार्वल डेवलपमेंट होता है, जबकि अपन ह्यूमंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार के उनके कंपैरेटिव यानी कि उनमें कंपैरिजन किया जाने लगा कि किस प्रकार की स्पीसीज में कैसा डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार की स्पीसीज में कैसे किस प्रकार का उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाने लगा और उनका वर्णनात्मक रूप से अध्ययन करना ही एम्ब्रियो का उनके वर्णनात्मक और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। सेकेंड जो आती है वो है एनालिटिक एक्सपेरिमेंटल अब सबसे पहले तो क्या हो रहा था उनमें डिस्क्रिप्टिव या कंपैरेटिव डेवलपमेंट देखा जा रहा था, उनके डेवलपमेंट को ही बाहे प्रक्षेपणों के आधार पे उन्होंने क्या किया डेवलपमेंट देखा जाने लगा, लेकिन बाद में उनके एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी देखा जाने लगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव या कंपैरेटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लगता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा और उनके बेस पे जो उनका डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट की अध्ययन किया जाने लगा वो क्या कहलाया एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद में एनालिटिक एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी। एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भ्रूण विज्ञान के उपरोक्त दो प्रकार से अध्ययन करने का तरीका अपन देख चुके हैं, कौन कौन से, एक तो डिस्क्रिप्टिव या कंपैरेटिव, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, अब तीसरा है एनालिटिक एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी। एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर तो जो एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी को के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर इनके विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाने लगा है। पहले तो क्या होता था कि उसके वर्णनात्मक बेस पे उनमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है वो तो क्या हो गया डिस्क्रिप्टिव, अब कंपैरेटिव की बात करते हैं तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि किस प्रकार से वो दूसरे एम्ब्रियो से भिन्न है, यानी कि उनके तुलनात्मक कंपैरेटिव डेवलपमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल की ऐसा करने से कैसा होगा कि उन्होंने देखा कि अगर अपन किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसकी टू सेल्स है और टू सेल्स के अंदर से उसकी एक सेल को डेड कर दे या उसको खत्म कर दे तो उसका जो एक सेल से डेवलप होकर जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कैसी होगी एक्सपेरिमेंटल। जो मुल्लर जो हेंकल का जो नियम था वो इसी के बेस पे था, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी ठीक है।
और बीयर का था वो किसका था, डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एनालिटिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर उनके प्रेजेंट या वर्तमान के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, विश्लेषणात्मक यानी कि उनका प्रेजेंट में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, किस प्रकार उनमें चेंजेज आएंगे, वो सभी किसमें आते हैं, एनालिटिकल। उनका पहले से ग्राफ तैयार किया जाता है कि इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस प्रकार से इनमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा, ठीक है। एनालिटिक विश्लेषणात्मक के अंदर इसको जो सेकेंड नाम है वो है मॉडर्न या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, आधुनिक भ्रूणों की भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके विकासात्मक डेवलपमेंट के बेस पे कि विकासात्मक या डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी या जेनेटिक्स के बेस पे ये किस प्रकार डिफरेंट है। तो परिवर्तन अनुवांशिकी या विकासात्मक अनुवांशिकी के अंदर सबसे पहले जो आती है वो आती है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। तो इनको डिपेंड इनको विभेदित करने के लिए एक सेकेंड मेथड है वो है डेवलपमेंट जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, डेवलपमेंट जेनेटिक्स भ्रूण के विकास के जीनीय नियंत्रण, इनकी जो यहां जेनेटिक्स शब्द जब आ जाता है तो जेनेटिक्स शब्द किससे रिलेटेड है, उनके जीन से, ठीक है। तो जीन से यानी कि उनके जीनीय नियंत्रण के द्वारा उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो किसमें आता है, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के अंदर। सबसे पहले जो एम्ब्रियोलॉजी आती है वो आती है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी इस शाखा में हम इस शाखा में जो अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं वो उसके अंदर स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे उनको पढ़ते हैं। अगली जो आती है वो आती है उनके टैक्सोनॉमी या टॉक्सिसिटी के बेस पे। तो अगली जो आती है वो आती है डेवलपमेंट जेनेटिक्स के अंदर सिर्फ एक ही होती है वो आती है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी या इनको इसको अपन कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्यों, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही अपना आरएनए डीएनए प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड सभी किसमें पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स आरएनए डीएनए सभी किसमें पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, इसीलिए इसको बायोकेमिस्ट्री एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। अगला जो इनको इनका जो डेवलपमेंट किया गया है वो उसके टॉक्सिसिटी के बेस पे किया गया है, तो डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। कभी कभी जो वातावरणीय कारक होते हैं उनमें चेंजेस आ जाता है, अचानक उनमें चेंजेस आ जाते हैं, या तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिनके कारण उनमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट एक्सचेंज हो जाता है। वही किसके बेस पे आती है, वो आती है डेवलपमेंट टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आती है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके जो वातावरणीय कारक जो होते हैं वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, अचानक चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण उसके जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, अचानक रुक जाता है, क्योंकि उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। अगला जो आता है वो उनकी फिजियोलॉजी के बेस पे आता है, तो वो आता है डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी।
इसमें जो अपन अध्ययन करते हैं डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं एम्ब्रियो के अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रजनन जैविकी, अगला आता है रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार के से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से उनमें जायगोट के बाद में अलग अलग अवस्थाओं के रूप में उसमें डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर अपन रिप्रोडक्शन स्टेजेस पढ़ते हैं और रिप्रोडक्शन स्टेजेस के अंदर किस प्रकार से पूर्ण एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो सभी किसमें पढ़ते हैं, अपन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आगे जो अपना टॉपिक है वो है, अगला जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है, जब एम्ब्रियोलॉजी का अपन स्टडी कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है कि अपन उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अपन जिस किसी का भी अध्ययन करते हैं उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी का जो महत्व है वो ये है कि अपन किसी भी टाइप से कि जैसे कि एबनॉर्मल कोई भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं उसके एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे अपन उसका पहले ही पता लगा लेते हैं। और पहले जो पता लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, उसके केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे अपन उसका पता लगाते हैं। तो उसमें जो आता है उसके जीन विधि में या उनका जो जीन अरेंजमेंट होता है उससे पता चल जाता है कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल है या नॉर्मल। ठीक है, तो इसका पता लगाकर अपन क्या कर लेते हैं उसमें चेंजेस कर लेते हैं या उसको पहले से ही ठीक कर लेते हैं। अगला जो आता है वो आता है डिजीज या डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेंटाइल डिफेक्ट्स यानी कि जन्मजात दोष जो होते हैं। पहला था प्रजनन एवं भ्रूणों की, तो एम्ब्रियोलॉजी का अपन सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन एंड उसका एम्ब्रियोलॉजी है उसके लिए कि रिप्रोडक्शन के बेस को जानने के लिए कि किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है और एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रकार होता है। दूसरा जो होता है वो है डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेंटाइल डिफेक्ट्स। कॉन्जेंटाइल डिफेक्ट्स का मतलब होता है जन्मजात दोष जैसे हीमोफीलिया या मधुमेह, इस प्रकार के रोगों का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला जो है वो है एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट क्या होता है, एजिंग इफेक्ट क्या होता है, एजिंग इफेक्ट होता है जरण अवस्था। जरण अवस्था का मतलब कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसके मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो जरण अवस्था के अंदर अपन देखते हैं कि आयु या समय के साथ होने वाले जीवों या कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों को जरण या काल प्रभाव एजिंग और एजिंग कहा जाता है। जरण शास्त्र या जीरोंटोलॉजी कहते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं, जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। जरण एम्ब्रियोलॉजी एजिंग इफेक्ट जो पढ़ते हैं वो किसके बेस पे पढ़ते हैं, एजेंटोलॉजी यानी कि जरण इफेक्ट जो आता है वो कहलाता है जेरंटोलॉजी। जिसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं जेरंटोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें समय के साथ साथ उसकी एज में जो परिवर्तन आते हैं किस प्रकार कि वो
अपन कहते हैं कि 40 ईयर के बाद उसमें पूरे उसके गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, या अपन कहें कि उसका जब 18 ईयर का जब हो जाता है तो इसके जो कृंतक दांत जो होते हैं वो नहीं आए, उसके जो दांतों की जो अरेंजमेंट होता है वो कितना हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं कंप्लीट दांत उसमें ऑर्गेनिज्म के उगाते हैं, ठीक है। ये अपन किसके बेस पे पढ़ते हैं, उसके जेरोंटोलॉजी के बेस पे पढ़ते हैं, जरण या भ्रूणों की, ठीक है। अगला जो है कैंसर बायोलॉजी, कैंसर एंड एम्ब्रियोलॉजी। कैंसर एम्ब्रियोलॉजी किस प्रकार से कि जो एम्ब्रियो के अंदर किस प्रकार का कैंसर है, या अपन बात करें कि कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए भी अपन किसकी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो कैंसर को खत्म करने के लिए एक उपयोग किया जाने लगा स्टेम सेल, स्टेम सेल, और स्टेम सेल का जो अध्ययन करते हैं या जो पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो स्टेम सेल से क्या करते हैं, उन सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं जो कैंसर की कैंसर में अतिवृद्धि कर रही होती है, ठीक है। सेल अतिवृद्धि करके क्या कर रही है, कैंसर पैदा कर रही होती है। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके उस सेल को निकाल दिया जाता है और उसकी स्टेम सेल से के द्वारा उस सेल का ओरिजिन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म में वो सेल डाल दी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कैंसर बायोलॉजी के लिए भी अपन एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं। और फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसके आरएनए डीएनए या उसमें होने वाले प्रोटीन चेंजेस को स्टडी करने के लिए भी स्टडी करते हैं, वो किसमें करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बात किया था, बायोकेमिस्ट्री एम्ब्रियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे बायो यानी कि जैव रसायन, ठीक है। तो जैव रसायन बायोटेक्नोलॉजी, इन जैव रसायनों का अध्ययन या इनको आइसोलेट किया जाना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आरएनए डीएनए या प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनके अरेंजमेंट की जो स्टडी की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है, और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर उसकी स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब आता है व्यक्तिवर्ती परिवर्तन की अवस्थाएं। अब मैंने कहा था जब अपन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि डेवलपमेंट टू टाइप का होता है, एक तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट या ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज डेवलपमेंट, और एक होता है ओंटोलॉजी, ठीक है, या ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। एक तो बताया था ओंटोजेनेटिक और एक बताया था फिजियोलॉजिक या फाइलोटिक डेवलपमेंट, और एक बताया था ओंटोजेनेटिक, ठीक है। तो अपन जो इस डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तिवर्ती है, या किसी एक स्पीसीज में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, या किसी एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर जब उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की एक के अंदर परिवर्तित होने वाले भ्रूण का अध्ययन ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाता है। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है।